हम अब इस टाइम हैं न्यू शिमला कोल्ड स्टोरेज हरदोई रोड कन्नौज में, और हमारे साथ हैं बहुत ही अर्जु मिन्नत करने के बाद आज बोलने को तैयार हुए मेरे भाई साहब। जल्दी जल्दा बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत साफ सुथरी छब रखने वाले, और जो किसान भाई इनको माल देते हैं जो बात कह दी जिस डेट को उसी डेट हम देख रहे हैं बराबर पैसा बांट रहे हैं आज जबकि बैंक बंद है, लुकमान भाई मेरे साथ हैं। आइए आपसे चर्चा करते हैं आज की तारीख में स्थिति क्या है। सर स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। सर अब आलू क्या स्थिति बनने वाली है? सबसे पहले श्रीवास्तव जी को हमारा नमस्कार और सभी किसान भाइयों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए सर क्या पोजीशन आज की तारीख में? आलू इस समय 20% है, नवम्बर में 15-14% आलू रह जाएगा। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा आलू निकालते रहें तभी उसका लाभ मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है, बेचते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। सर आज की तारीख में अगर देखें इधर त्योहार भी है, मंडियों क्या स्थिति बनी हुई है? मंडी ठीक है, हमेशा ये दीपावली के दो दिन पहले से सुस्ती आ जाती है, वही है, कोई नई बात नहीं है। दीपावली समाप्त होगी बाजार सही हो जाएगी। पहले जैसे बिक रहा था 700 रुपया 750 रुपया हालेंट बिक रहा था पैकेट अंदर, वैसे बिक्री फिर शुरू हो जाएगी 26-27 तारीख से। सिंदूरी भी 600-650 रुपये बिक रही है, वैसे फिर बिकने लगेगी। आज कुछ सुस्ती हमेशा रहा है, दीपावली के दो दिन पहले सुस्ती आ जाती है और 3 दिन बाद सुस्ती समाप्त हो जाती है, फिर वो 8 दिन बाजार चलती है, उसके बाद क्या होगा ये ऊपर वाला ही जान सकता है। फिर भी सर व्यापारियों का माल निकल नहीं पाया, अभी भड़बड़ी बहुत ज्यादा रही, इस वजह से कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट टाइट हो गई आने वाले। हाँ, व्यापारी का आलू नहीं निकल पा रहा है, अब हमारा ही 6,6200 बोरी बीजा पड़ा हुआ है मंडी में, वो तो हमने 25 सितंबर से निकाल दिया था, तैयार करा के सब लोड कर दिया। अगर आज बीजा निकालना चाहते तो हमारा बीजा निकल ही नहीं पाता। फिर भी अभी 52-54 बोरी आलू हमारे पास बैलेंस है 700 रुपया पैकेट का। हमें खुद डर लग रहा है कि दीपावली के बाद क्या होगा। हाँ, जबकि इस समय कोल्ड मालिक को और मैनेजर को सबको सहयोग करना चाहिए, भाई किसान का भी देखे व्यापारी का भी देखे। अगर व्यापारी आलू नहीं निकाल पाएगा तो तुम्हें पैसा कहाँ से देगा? पिछले साल भी बहुत लंबा नुकसान हो गया कि 7-8 हज़ार आलू हमें फेंकना पड़ा, आलू जिसका 1,000 रुपया 900 रुपया पैकेट का आलू था 200 रुपया पैकेट का पैसा आया, कहाँ तक हम भरपाई करेंगे? 2-4 हज़ार बोरी खेत में आलू पैदा होता वो भी चला जाता है। तो बीजा की स्थिति गंभीर है? हाँ, बीजा की स्थिति गंभीर है, बिक रहा मंडी में, कल से बिकना शुरू हुआ है, जो बैलेंस है वो बिक जाएगा। जब यहाँ से लोडिंग नहीं हो पा रही है तो बीजा सब 4-5 दिन में बिक जाएगा। यही अच्छी बात है, बीजा निकल जाए, बाकी छट्टा का तो पोजीशन दिखाई पड़ रही, छट्टा आगे सही रहेगा, छट्टा आगे सही रहेगा, अभी उसके लिए टाइम है। अपने यहाँ पर कच्ची नहीं है, पंजाब का आलू पूरा तैयार है, वो आ जाएगा 5 नवंबर को, वो कितना असर करता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। आलू तो आएगा मंडी में, वो कहाँ तक असर करता है हमारे 22 साल सर पिछले साल के अपेक्षा कुछ ज्यादा। हाँ, बीजा 5-4% ज्यादा जा रहा है, जी। ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि बुवाई भी कहीं ना कहीं 10-5% ज्यादा हो रही है। जो आपने बताया कि स्थिति त्योहार पे जो होती है 2-3 दिन दबाव रहता है, इसके बाद मंडी 25 साल से देख रहे हैं, हमेशा 3 दिन पहले सुस्ती आ जाती है, कोई नई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव, ये हमारे साथ थे लुकमान भाई जिन्होंने जानकारी आपको दी, शेयर करना चाहेंगे बातचीत। बताइए साहब जी क्या पोजीशन है अब? पोजीशन तो भैया बहुत अंदाज से ज्यादा ही चल रही है, उससे ठीक है, और खराब होने चांस भी नहीं लग रहे हैं। आलू सब इज्जत से बिक जाना चाहिए, ये है 150 कम ज्यादा बिक जाए वो अलग बात है, पिछली साल वाली समस्या नहीं आने वाली। किसानों क्या संदेश देना चाहिए? अब किसानों संदेश यही है, बेचे अपना, अच्छा भाव बिक रहा है बेचना चाहिए, निकालना चाहिए, और रखे रखेंगे तो फिर खराब हो गई पिछली साल के हिसाब मामला। लेकिन इस साल सर शुरुआत से हम कहते रहे बेचना चाहिए, बेचो बेचो बेचो, उसका शायद सकारात्मक असर देखने को मिला, उसका उसी का तो बहुत अच्छा असर रहा है। ये जो आप लोग जो आप लोग मेहनत कर रहे हो उसका किसानों को पूरा फल मिला है। लुकमान भाई ने जरूर अपनी तारीफ के 4 बोल सुनना चाहेंगे। मैंने श्रीवास्तव जी की मेहनत बहुत रंग लाई है, किसान भाइयों से अनुरोध करते रहे बार बार, उन्होंने सभी लोगों ने आलू थोड़ा निकाला है तभी उसका ये फल मिल रहा है। मतलब हम जब से वीडियो बनाए बराबर हम कहते रहे बेचते रहना चाहिए, बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, शायद उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। अब क्या स्थिति है सर? अब ठीक है स्थिति, अच्छी स्थिति, लेकिन अब भी बेचना चाहिए? नहीं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, रुक जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे, जब तक मंजिल पे ना पहुंचो, मंजिल में ना पहुंचो। आलू को तो अब निकालना ही निकालना है, दीपावली के बाद कोई टाइम नहीं होता आलू का। सर आने वाली फसल के बारे में थोड़ा बताइए, बुवाई उबाई क्या चल रही है?
बुआई तो हमारे यहाँ से जो जिस तरीके से बीजा जा रहा है कोल्ड स्टोर से, ऐसा लग रहा है कि बुआई ज्यादा होने जा रही है पिछले साल से। अब 5% ज्यादा होती, 10% ज्यादा होती राई की, क्योंकि राई नहीं कर पाया किसान, उसमें भी आलू होने जा रहे हैं। और जो मटर खेती है वो गाय चल जाती है, उस चक्कर में आलू गड़े जा रहे हैं, सब आलू ही बढ़ने जा रहा है। गड़ाई तो ये है, तो कुल मिलाकर के 5 से 10% के आसपास गड़ाई भी ज्यादा एक्स्ट्रा होने जा रही है और आलू का भविष्य भी ठीक दिख रहा है।